अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के साथ ही कोहराम मच गया, लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं दहशतगर्दों ने मचाना शुरू कर दिया है आतंक, लेकिन अफगानिस्तान में लिखे जा रहे आतंक के अध्याय का कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अपने ही देश के हैं। देखिए तालिबान के लिए ताली क्यों बजाई। अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम, अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से कब्जा क्या किया, मानो अफगानिस्तान जहन्नुम में तब्दील हो चुका है, जहां महिलाओं की आजादी को एक बार फिर से छीन लिया गया है और महिलाएं लगा रही हैं खुद को बचाने की गुहार। तो वहीं सड़कों पर नजर आती है दहशत गर्दी की दास्तान, जो हाथ में बंदूक लिए चलाई जा रहा है। अपनों को बचाने की लगा रहे गुहा। अफगानिस्तान की सरजमी पर फैले दहशत और खौफ के बीच इंसान खुद या फिर अपनों को बचाने की गुहार लगा रहा है। जिन्होंने झेला है इस खौफ को, जो खुद उस अफगानिस्तान के हमवतन है, उनकी सांसें तालिबान की वापसी से अटक गई है। भारत में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र तालिबानियों से अपनों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया से हम सुन रहे हैं कि वहाँ का स्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ आज भी कई जगहों पर फायरिंग के आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, और अभी भी सब लोग सड़कों में निकल आए हैं और अपने राष्ट्र ध्वज को हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यही हमारा राष्ट्र ध्वज है। अफगानिस्तान में अभी हालात बहुत ख़राब है, स्टूडेंट्स नहीं आ सकते यहाँ पे। इंडिया में अभी हमारे क्लासेस भी फिजिकली स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वहाँ पे, अभी भी एमबीसी भी बंद है, वीज़ा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के लिए। तालिबान को क्रिएट पाकिस्तान ने ही किया है। सही माने में दुनिया में जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसको आप अलकायदा को ब्लेम करिए या तालिबान को ब्लेम करिए, वो सारी पाकिस्तान की देन है। दहशत गर्दों को क्यों कर रहे सलाम, इन कपकपाती आवाजों में महसूस किया होगा दर्द, खौफ और दहशत। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान में कोहराम मचाने वालों को सलाम कर रहे हैं, और ये किसी दूसरे मुल्क के नहीं हैं बल्कि अपने ही देश में हैं, जिनके दिलों में नजर आती है तालिबानियों के लिए हमदर्दी। तो वहीं कई लोगों ने भुला दी है उनकी दहशत गर्दी। हमने ये नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। तो ये जो है, ये मौलवियों का बयान हो सकता है, नेताओं का बयान हो सकता है। ताकि जिस दौर में 20 साल पहले तालिबान उठे थे, उस वक्त भी बहुत ज्यादा ताज्जुब किया जा रहा था। अब तालिबान दाखिल हुए हैं, उनका दावा है कि हम बेहतर हुकूमत देंगे, औरतों को हक देंगे, आज़ादी देंगे, और हर वो चीज़ जो दुनिया में एक दूसरे को मिलनी ज़रूरी है उसका ख्याल रखेंगे। तालिबानी हमदर्दों पर तीखा वार, जैसे ही लोगों की सांसों को अपने बूटों तले कुचलने वाले तालिबानियों के लिए सजदे में लोगों ने सिर झुकाए, वैसे ही विरोध का वार भी होने लगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मसूद मदनी के खिलाफ कई स्वर विरोध में उठे हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि हम अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो फ्लाइटें भेज रहे हैं वो जाते टाइम तो खाली जाती हैं, तो ऐसे लोग जिनको उनका शासन जो है एक स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है, उन लोगों को तुरंत की तुरंत यहाँ से डिस्पैच कर देना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं देके अफगानिस्तान में सेटल कर देना चाहिए। तालिबानियों का चरित्र एकाएक बदलने वाला नहीं है, और आज तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर उनका जो पूरा खोप है, जो पूरी भय की उनकी राजनीति है, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को जो कष्ट दिए हैं, उनको जो उनके साथ में जो क्रूरताएं की हैं, वो जग जाहिर है। वहीं तालिबानियों से सहानुभूति रखने वालों को यूपी विधानसभा के अंदर से सख्त संदेश भी दिया गया। जब सदन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ तो दो टू जवाब दे दिया। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में,
लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान कोहराम मचा रहा है तो वहीं कई लोग उसे सलाम कर रहे हैं, वो भी तब जब अफगानिस्तान के रहने वाले ही अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री को जहन्नुम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा में 15 अगस्त को जामा मस्जिद पर तिरंगा लहरा और राष्ट्रगान हुआ, लेकिन ये देश प्रेम कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और फिर शुरू हुआ विवाद। शहर मुफ्ती का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान करना इस्लाम विरोधी करार दिया गया, जिसके बाद अब आगरा का माहौल गर्मा गया है, जहां शहर मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। तिरंगे की शान में गुस्ताखी कैसे हो रही है देखिए। मस्जिद में तिरंगा फहराने का सड़कों पर विरोध। आगरा की मंटूला में बड़ा प्रदर्शन। लेकिन ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये उन लोगों के समर्थन में है जिन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान का विरोध किया था, और जब विरोध किया गया तो मामला दर्ज कराने की नौबत आई, जिसके बाद अपमान करने वाले लोग प्रदर्शन पर उतारू हो गए। स्वतंत्रता दिवस के दिन जामा मस्जिद स्थित मदरसा आलिया में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण को शहर मुफ्ती ने से इस्लाम के विरोध में बताया था, गैर इस्लामिक बताया था, और इस मामले में इंतज़ामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने मंटोला थाने में शहर मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आज शहर मुफ्ती के समर्थन में और असलम कुरैशी के विरोध में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है, हालांकि ये पूरा जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है। दरअसल ये पूरा मामला 15 अगस्त का है। 15 अगस्त को जामा मस्जिद पर ध्वजारोहण हुआ, ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रगान भी हुआ। असलम कुरैशी ने फहराया तिरंगा और हुआ राष्ट्रगान। जामा मस्जिद के इंतजामिया के चेयरमैन हैं असलम कुरैशी। बताया जाता है कि इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था, क्योंकि जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती ने तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान का विरोध किया। इंतजामिया के चेयरमैन असलम कुरैशी का आरोप है कि शहर मुफ्ती के बेटे ने जताया था विरोध। शहर मुफ्ती कुद्दस खुबैब रूमी ने बताया हराम, तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना बताया गलत, अल्लाह की शान में बताया गया गुस्ताखी। असलम कुरैशी से माफी मांगने की रखी थी पेशकश। अब अपनी जगह है और राष्ट्र अपनी जगह है, समझे। वो जो परमिशन है वो मजहबी है। मुफ्ती साहब ने सिर्फ इतना कहा कि आप बाहर कर लीजिए या नमाज कुरान शरीफ, ये होता है इसकी बेहरमती होगी। वहाँ तमाम लोग जूते पहन के आ गए, गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहाँ जो इस तरह की हरकत, तो सिर्फ ये था कि बाहर करते कार्यक्रम जो है, लेकिन वहाँ कह दिया कि ये अपमान कर रहे हैं। तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया, तिरंगा जो है वो हमारी शान है। शहर मुफ्ती कुद्दस खुबैब रूमी का ये ऑडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया के चेयरमैन असलम कुरैशी ने मंटोला थाने में राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद मामला गर्माता चला गया और फिर मुफ्ती की तरफ से शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वह हिंदूवादी संगठन असलम कुरैशी के समर्थन में खड़े नजर आए। इस पूरे मामले पर पुलिस नजर बनाए हुए है। जामा मस्जिद के इंतजामिया के चेयरमैन असलम कुरैशी की तरफ से मामला दर्ज करा दिया गया, तो वही दूसरी तरफ तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान का विरोध करने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद शहर मुफ्ती कुद्दस खुबैब रूमी के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सवाल यही उठता है कि जामा मस्जिद में जो मदरसा आलिया है, जो 1867 से स्थापित है, वहाँ पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं, तो ऐसे में आखिर इस सरकारी कार्यक्रम को, देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम को क्यों राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल बिल्कुल बना हुआ। और इस मामले में अब हिंदूवादी संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज आगरा के साईं की तकिया चौराहे पर जब इस हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुतला दहन करने शहर मुफ्ती का पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोक दिया। तो कुल मिला के मामला तूल पकड़ रहा है और पुलिस को तय करना है कि आगे इसमें क्या विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। लखनऊ की सड़क पर कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाली लड़की को आप याद होगी आपको,
जिसने कई थप्पड़ कैब ड्राइवर को रसीद दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 16 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली है और दाखिल करा दी है चार्जशीट, जिसमें हटा दी गई लूट की धाराएं। देखिए थप्पड़ पर चार्जशीट। लखनऊ का चर्चित थप्पड़ कांड मामला, सोलह दिनों के अंदर दाखिल हुई चार्जशीट। लखनऊ की सड़क पर कैब चालक को थप्पड़ रसीद करने वाली महिला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में लखनऊ पुलिस ने गजब की तत्परता दिखाई है और सिर्फ 16 दिनों के भीतर पूरी जांच कर बता दिया है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इस वीडियो ने रातों रात इस थप्पड़ गर्ल को चर्चा में ला दिया था, जब इस सड़क पर एक कैब चालक को ताबड़तोड़ 21 थप्पड़ रसीद किए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने उल्टा कैब चालक सादत के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया था और महिला के कारनामे का वीडियो सामने आने के बाद महिला पर भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें महिला के खिलाफ लूट मारपीट का मामला दर्ज हुआ, तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। वहीं कैब चालक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें लूट की धाराओं को पुलिस ने हटा दिया है, यानी अब लखनऊ की सड़क पर कैब चालक को थप्पड़ रसीद करने वाली महिला के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी और तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कृष्णा नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 325/2021 कायम हुआ था और इस मुकदमे में त्वरित गति से विवेचना करते हुए सभी संगत साक्ष्य, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं या जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो भी इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे, इन सब का अध्ययन किया गया और इसके आधार पर 16 डेज के अंदर में यह मुकदमा 16 चार्जशीट जो है वो माननीय कोर्ट को प्रेषित की गई है और विवेचक ने सभी संबंधित पक्षों के बयान अभिकथित किए। वहीं पुलिस की चार्जशीट को लेकर पीड़ित सआदत ने नाखुशी जाहिर की है कि उसे अब तक सिर्फ बताया गया कि जांच चल रही है, लेकिन जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें से लूट की धारा हटा दी गई। 16 दिन के बाद कार्रवाई हुई है, मुझे तो सिर्फ यही पता चल रहा था कि उसकी जांच चल रही है और उन्हीं ने धारा भी हटा दी है चोरी वाली और मुझे कोई इंसाफ भी नहीं मिला और बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे इंसाफ में उगार लगा रहा हूँ। पुलिस की ये कार्रवाई से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? सहमत नहीं हूँ पुलिस की कार्रवाई से। पुलिस की कार्रवाई को लेकर कैब ड्राइवर ने नाखुशी जाहिर की है, लेकिन जिस तरह से 16 दिनों के अंदर थप्पड़ गर्ल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि चार्जशीट के आधार पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। बस्ती के एक दरोगा जी पर आशिकी और उस पर सीनाजोरी भारी पड़ गई, जिसके बाद गांव वालों ने उनको घेर लिया, लेकिन आरोप है कि खुद को घिरता देख दरोगा जी ने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, गांव वालों ने दरोगा को बांध कर बेरहमी से पीटा। देखिए प्यार का पंचरनामा। रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। रात का गुप्त अंधेरा और उस अंधेरे में पुलिस एक शख्स को ढूंढते हुए पहुंची तो वो खून से लथपथ था और एक खंभे से बंधा हुआ था। युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। उस युवक को बेरहमी से पीटा गया था, वो बदहवास हालत में कुछ भी बता नहीं पा रहा था, लेकिन जब हुआ खुलासा तो मच गया हड़कंप। दरोगा को आशिकी पड़ गई भारी। दरअसल जिस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी वो कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस में दरोगा है और शुरू वो अपनी प्रेमिका से मिलने गांव आया हुआ था। बस्ती के दुबौलिया थाना इलाके के गांव से डायल 112 पर फोन किया गया और बताया गया कि गांव वालों ने एक युवक को घेर लिया है और उसको बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब देखा तो वो युवक कोई और नहीं बल्कि दुबौलिया थाने पर तैनात दरोगा अशोक चतुर्वेदी था।